हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, हमारी बगिया में आज मैं अपने वॉल हैंगिंग्स को लेकर के आया हूं, जो कि मैंने खुद ही वेस्ट डिब्बे वगैरह से बनाए हैं और बहुत सारे जग का भी यूज़ किया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आखिर ये जो वॉल हैंगिंग है आपने कैसे तैयार किया और इसको जो है दीवार पर किस तरीके से फिक्स किया और इसके अंदर मिट्टी है या पानी है। तो सारे चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जो ये वॉल हैंगिंग है पहले दूसरे दीवार पर था, तो मैंने अभी अभी जो है कुछ दिन में ही इसको चेंज किया है और पूरे गार्डन का फिर से मेकओवर किया और इसकी जगह बदली है। दोस्तों, ये जितने भी वॉल हैंगिंग आप देख रहे हैं तो कुछ तो यहाँ पर जग का यूज़ मैंने किया है, जैसा कि यहाँ लाइन से आप देख रहे हैं नीचे कि यहाँ पूरे के पूरे जग लगे हुए हैं। और अगर मैं ऊपर दिखाऊँ ये वाइट वाले जो हैं, तो ये जो है जो दूध का डिब्बा होता है, छोटे बच्चों का दूध आता है, तो वो डिब्बे हैं और इसी में जो है ये पौधे बढ़ रहे हैं। तो इसको देखिए किस तरीके से मैंने बनाया है और कौन कौन से पौधे इसमें लगाए हैं, तो वो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम इस डिब्बे की बात करें तो इसमें जो है ये टर्टल वाइन लगा हुआ है और देखिए कितना बुशी हो गया है। और इसको जो है अभी कुछ दिनों में मुझे काटना पड़ेगा थोड़ा सा, और जितनी इंच की मैं पिंचिंग करूँगा या कैची से काट दूँगा तो ये उतना ही बुशी हो जाएगा। और अभी सर्दियों में थोड़ी इसकी ग्रोथ कम है, तो जैसे थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो इसकी प्रूनिंग मैं करने वाला हूँ। अब दोस्तों देखिए, इसको मैंने कैसे लगाया है, डिब्बे को कैसे तैयार किया। सबसे पहले तो यहाँ मैंने इसके किनारे होल कर दिया और ये डोरी से इसको बांध दिया। और इसी तरीके से डिब्बे के जो दूसरी ओर है तो यहाँ भी मैंने ये होल कर दिया। और ये जो आप देख रहे हैं एक लाइलॉन की जो डोरी है वो है, तो प्लास्टिक के लाइलॉन की डोरी का यूज़ किया है यहाँ पर। और इस तरह से बांध के इसको एक कील के सहारे से हैंग किया है। और दोस्तों, ये कील बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कोई ड्रिल करके नहीं लगाया गया है, केवल कील को इसमें ही लगाया गया है। तो ये जो कील है ये कौन सी कील है, नॉर्मली हम जो कील हमारे पास होती है ये लोहे के दुकान में हम ढूंढने जाते हैं, तो वो वाली कील लगाएंगे तो ये कील जो है टेढ़ी हो जाएगी या जो प्लास्टर है वो भी उखड़ सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए कौन से कील का मैंने यूज़ किया है, तो यहाँ पर वो रखे हुए हैं। ये दोस्तों, ये स्टील की कील होती है और ये जो स्टील की कील है आपको नॉर्मल कील की दुकान में नहीं मिलेगी और छोटी कील है बहुत, और ये जो है एक इंच भी मुश्किल से नहीं होगी, एक इंच से भी कम की ये कील है। तो ये जो है आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक वायर की दुकान है, फिटिंग की दुकान है, वहाँ पर मिलेगी। इस तरह के गिट्टी होती है जिसमें कि दीवार के साथ साथ ला करके और इसके अंदर से तार को ले जाया जाता है, तो ये वाली कील आप मांग सकती हैं। और इसमें से ये कील निकाल करके प्लास के हेल्प से या थोड़ा खींचेंगे तो ये कील जो है निकल आएगा। तो इस स्टील कोई कील को आप लगा सकती हैं और लगाने के बाद जो है अपने दीवार पर कोई भी जो पॉट है वो हैंग कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ये पौधा जो यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये है वांडरिंग जू। और वांडरिंग जू जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत जल्दी जो पॉट है उसको घेर लेता है। तो जैसे यहाँ पर टर्टल वाइन है तो ये वाइट डिब्बे में लगा हुआ है, तो इसी तरीके से ये भी जो है वाइट डिब्बे में ही लगा हुआ है लेकिन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरीके से जो ये पौधा है इसने इस डिब्बे को घेर लिया है। और एक चीज़ और, ये जो भी डिब्बा है तो इन डिब्बों के नीचे मैंने होल कर दिए हैं यहाँ पर, तो चार चार होल मैंने किए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं नीचे से।
इस तरह से आप होल कर सकते हैं, चाहे तो किसी कील को गर्म करके कर सकते हैं तो उससे भी हो सकता है, या पेचकस को भी गर्म करके आप इस तरह के होल को कर सकते हैं। और सभी को जो है इस तरह से कील के सारे सारे हैंग कर सकते हैं। देखिए कील मैंने यहाँ लगाया है तो ये जो है बहुत सफाई से लगा है और बिल्कुल अच्छे से अंदर चला गया है। तो इस तरह से कोई भी आप डोरी जो कि प्लास्टिक की डोरी हो वो ले सकते हैं और इसके सारे हैंग कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये एक अलग टाइप की डोरी है और ये फिशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये बिल्कुल प्लास्टिक जैसा ही है लेकिन बहुत ज़्यादा जो है हार्ड है और ये जो है आसानी से नहीं टूटने वाला। तो इस तरह के डोरी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो फिशिंग नेट वगैरह जिस दुकान में होती है तो वहाँ इस टाइप की डोरी मिल जाएगी, या जो भी रस्सियों की दुकान, झाड़ू की दुकान, ऐसी दुकानें होती है तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर ये जो पौधा लगा हुआ है दोस्तों, देखिए पूरी तरह से गोलाई में है, शेप ले लिया है और कहीं भी इसका पॉट हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये कोई पॉट नहीं, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये बल्कि बॉटल है और बॉटल को आधा काट करके ही मैंने ये पौधा लगाया था। बस एक दो जो पौधा है इस तरह से, जो ये डंडी तोड़ करके इस तरह से ये मैंने लगा दिया। और ये कहीं भी हो जाता है, आप पानी में लगाए, मिट्टी में लगाए, रेत में लगाए तो ये नहीं मरता। और ये भी जो है टर्टल वाइन की ही एक वैरायटी है। तो इस तरह का जो पौधा है आप लगा सकते हैं, वॉल हैंगिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। और इन सब में जो है मैंने सॉइल यूज़ किया है, जो मिट्टी है थोड़ी उसमें रेत मिलाई है और उसके बाद इनको लगाया है। वर्मी कंपोस्ट आप मिला सकते हैं और बहुत ही कम मात्रा में मिलाए, बहुत ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं, 20% आप मिला सकते हैं और इस तरीके से अपने पौधे को लगा सकते हैं। दोस्तों ये जो पौधा है यहाँ आप काफ़ी हरा भरा भी इसको देख रहे होंगे और हल्का सा जो ब्लू है कलर वो बीच बीच में आ रहा है, हल्का सा रेडिश लिए हुए। और ऐसे ही जो है दूसरे पौधे को मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये जो है ज़्यादा रेड हमें नज़र आ रहा है इसमें, तो काफ़ी अंतर आप देख सकते हैं दोनों ही पौधों में। लेकिन ये कोई अलग अलग पौधे नहीं हैं, एक ही पौधे हैं। तो कलर आखिर चेंज कैसे हुआ दोस्तों? अगर आपका पौधा छाए में रहेगा तो ये ज़्यादा हरा भरा लगेगा, ज़्यादा ग्रीनिश लगेगा, लेकिन यही पौधा जब धूप में हो जाता है तो उसका कलर कुछ इस तरीके का हो जाता है, जो कि ज़्यादा रेडिश हमें लगता है। तो अब तक जहाँ पर ये पौधा था तो वो धूप वाला एरिया था और नीचे जो यहाँ पर पौधे हैं तो ये वाले जो है थोड़े छाए वाले एरिया में थे, तो तभी इसका कलर इस तरह से लग रहा है। और यहाँ पर देखिए मैंने मनी प्लांट लगा रखा है, तो मनी प्लांट की भी कोई भी कटिंग थोड़ा सा आप ले करके और ऊपर के थोड़े से दो चार पत्ते हटा करके, जैसे यहाँ से आपने कटिंग ले ली और यहाँ से इन पत्तों को हटा दिया और उसके बाद जो है यहाँ तक आप दबा देंगे मिट्टी के अंदर, तो ये पौधे जो है ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरह से कटिंग्स लेकर के आप इनमें से कोई भी पौधे लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने सिंगोनियम का पौधा लगाया है, तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है और ये भी जग में ही लगे हुए हैं और मिट्टी में लगे हुए हैं, देखिए इस तरीके से। और जो भी पत्ते ख़राब हो जाते हैं तो उसको मैं निकाल देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। और ये जितने भी जग है इसमें भी मैंने नीचे से देखिए होल कर रखा है, यहाँ सामने की तरफ एक एक होल कर रखा है और पीछे के जो डंडी है पकड़ने का जो हैंडल होता है तो उसको मैंने काट दिया है और इस तरह से डोरी के हेल्प से ही इसको हैंग किया है। देखिए दोनों ओर से डोरी लगा दी और ऊपर उसी तरीके से कील के साथ ये हैंग है। तो इस तरह से जो भी पुराने वेस्ट डिब्बे हैं उसका यूज़ कर सकती हैं और इस तरीके से हैंग जो है अपने पौधों को दीवारों में कर सकती हैं।
अब दोस्तों एक बात आती है कि एक बार तो हमने सॉइल रेडी करके लगा दिया और बाद में इसकी केयर कैसे करें। तो बाद में कुछ खास केयर नहीं, अगर चाहे तो महीने में एक बार या दो बार एनपीके 19-19-19 जो है एक चम्मच लेकर के 1 लीटर पानी में उसको घोल करके और उसका स्प्रे इन पौधों के ऊपर कर सकते हैं। इसका स्प्रे अगर आप इन पौधों के ऊपर करेंगे तो पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे और अलग से जो है इसको बार बार रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी पौधे अगर बहुत पुराने हो जाए तो साल 1.5 साल में एक बार रिपोर्टिंग करना अच्छा रहता है, क्योंकि अंदर पूरी तरह से वो जड़ों से भर चुका होता है। इसलिए एक बार साल में आप इनको रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आगे भी आप इसी चैनल के साथ यूं ही बने रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त असीमानंद को विदा। नमस्कार।